हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्मिता आज का वीडियो किचन टिप्स का वीडियो है जो आपका फेवरेट है और मुझे भी आपके साथ ये टिप्स शेयर करके काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये टिप्स मुझे किचन में बहुत मदद करती हैं तो आपको भी श्योरली ये मदद करेंगी आपके काम को बहुत आसान कर देंगी साथ ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हमारी किचन में उनके भी हमें सोलूशन मिल जाते हैं इन टिप्स के थ्रू तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी टिप्स हेल्पफुल रहती हूँ अगर आपको ये पसंद आती हैं टिप्स तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो डाला कब नहीं डाला तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो भिंडी तो अक्सर हम घर पर बनाते हैं बट एक तरह की भिंडी बनाकर बोर हो जाते हैं तो आज सिंपल सी एक टिप है हल्का सा आपको चेंज करना है और आपकी भिंडी का टेस्ट काफ़ी अमेजिंग हो जाएगा यहाँ पर जब मैंने मसाला भूना तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन एक चम्मच यहाँ पर मैंने सबसे पहले तेल डाला जीरा और प्याज को जैसे ही मैं भून रही थी तब मैंने इसमें डाला है बेसन और बेसन को भी अच्छे से ब्राउन होने तक भून देंगे और यहाँ पर भिंडी है मैंने लंबी लंबी काटी है इस टाइम पे इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और बाकी जो मसाले हम ऐड करते हैं रेगुलर बेस पे भिंडी में वो सारे ऐड कर देंगे मैंने यहाँ पर नमक हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड किया है साथ ही ऐड किया है खूब सारा चाट मसाला अगर आपके पास लेमन है तो आप इस टाइम पे लेमन ऐड कर सकते हैं भिंडी में इससे भिंडी स्टिकी भी नहीं होती है और काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट और कलर हो जाता है इसमें खटास के लिए चाट मसाला अमचूर पाउडर या फिर लेमन आप डाल सकते हैं और ये जब अच्छे से भुन जाए मसाला उसके बाद आप इसमें भिंडी को ऐड कर दें और बहुत ज़्यादा तेज हाथों से नहीं हिलाएं इसे वैसे तो उसमें चाट मसाला होता है तो उसकी वजह से चिपकता नहीं और बेसन की कोटिंग भी इसके ऊपर आ गई है तो ये चिपकेगी नहीं तो उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे फ्लिप कर दें भिंडी को आप जितना कम छेड़ेंगे उतनी ही अच्छी और खिली खिली वो बनती है तो बस यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है फ्लिप कर दिया अच्छे से ताकि मसाला कोट हो जाए इसके बाद आपको आँच को कर देना है बिल्कुल हल्का और बिल्कुल हल्की आंच पे लिट से कवर करके भिंडी को रेडी करना है ये देखिए हमारी भिंडी बनकर रेडी है एकदम खिली खिली और क्रिस्प भिंडी बनी है आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो जाता है भिंडी का इस तरह से आप भी इस तरह से भिंडी बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में आजकल मार्केट में बहुत अच्छे खरबूजे आ रहे हैं यानी कि मेलन जिन्हें हम मस्क मेलन कहते हैं इनके बीज काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं और जो आप मार्केट से मगज लेके आते हैं खरबूजी के बीज मेलन सीड वो इन्हीं बीजों से बनते हैं तो इन बीजों को मैं इस तरह से एक जगह स्टोर कर लूँगी और उसके बाद इनको अच्छे से पानी से हम धो लेंगे दो तीन पानी में आप इसको इस तरह से भिगो के रगड़ के निकाल लेंगे तो बीज अलग हो जाते हैं और ये इसका जो पल्प होता है अंदर का वो अलग हो जाएगा इस तरह से हम हाथों से रगड़ते हुए बीजों को अलग कर लेंगे और पल्प को निकाल लेंगे अलग उसके बाद एक स्ट्रेनर में लेके सारा पानी हम इसका हटा देंगे पानी निकल जाने के बाद हमें ये बीज बीज ऊपर मिल जाएंगे इस तरह से तो ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत पल्प रहेगा तो एक दोबारा से आप और धो सकते हैं और इस तरह से इन बीजों को आप अच्छे से एक दो दिन की धूप दिखाएँ बहुत अच्छे से क्रिस्प कर लें यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दो मेलन काटे थे तो इतनी क्वांटिटी है तो आप थोड़े से स्टोर करके रख लें एक साथ इनको कर लें और फिर इनको सुखाएं एक से दो दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और काफ़ी ड्राई हो जाते हैं केस आपके यहाँ धूप नहीं आती है कम आती है तो इन्हें आप हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं तवे पर ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्प से हो जाएंगे काफ़ी तो इनका जो सीट निकाला जाता है वो बेसिकली इनको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर इनको क्रश किया जाता है ताकि इसका सीट निकल पाए हम यहाँ पर पूरा सीट तो नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है मैं आपके पास साथ सिंपल से एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ आपने इन सूखे हुए बीजों को लेना है मिक्सर ग्राइंडर में और अब इनको चर्न कर लेंगे ये देखिए आप पर्स मोड पर कीजिएगा चर्न ताकि जो उसका छिलका है वो पहले टूटे और फिर उसके बीच का जो मेलन है उसका पाउडर बन जाए तो बस इस तरह से कर लिया है मैंने इसके बाद इसको ले लिया है एक छलनी पर और अब छलनी से हम इसे छान लेंगे और नीचे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा सा फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा जो कि है मेलन पाउडर और ये मेलन पाउडर काफ़ी ज़्यादा जगह आप काम में ले सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में अगर आप कोई शाही रेसिपी बना रहे हैं उसमें हम मगज के बीजों को भिगोकर पीसते हैं और फिर उसको ग्रेवी में डालते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पाउडर को दूध में भिगो कर रख लें थोड़ी देर या पानी में भिगो कर रख लें और उसके बाद अपनी किसी भी ग्रेवी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी सिंपल होता है इस तरह से इनको सीड से अलग करना क्योंकि एक एक बीज को आप करने लगेंगे तो काफ़ी मेहनत का काम वो रहता है तो पहले ज़माने में घर में जो बुजुर्ग लेडीज होती थी वो इस तरह का काम करती थी टाइम होता था बट आजकल जो टाइम नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से इसका पाउडर बना सकते हैं और ये देखिए बॉटल में भर लिया है मैंने और काफी अच्छी क्वांटिटी में बना है इसे किसी भी ग्रेवी में हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही चटपटी और डिफरेंट स्टाइल की चटनी जिसे हम रॉ मैंगो के साथ बनाएंगे यानी कि कच्चे आम मार्केट में काफी आ रहे हैं इस टाइम पे इनसे हम बनाने वाले हैं ये चटपटी सी चटनी तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कच्चा आम एक टमाटर तीन मिर्चें ली हैं ये मोटी वाली हैं तो कम तीखी हैं तो मैंने तीन ली हैं आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप पतली वाली भी ले सकते हैं अब इन तीनों चीज़ों को हमने लेना है एक जाली के ऊपर और इन्हें हम रोस्ट करेंगे गैस के ऊपर तो गैस पर रोस्ट करने से इनके ऊपर बहुत ही अच्छा बर्निंग इफेक्ट आ जाएगा इस तरह से और ये अंदर से काफ़ी हद तक कुक भी हो जाएंगे तो जो हमारा आम है वो बिल्कुल आम पर के लिए जिस तरह से हम रोस्ट करते हैं उसी तरह से हो जाएगा तो इनको ठंडा हो जाने देंगे तो हल्का हल्का इनको इस तरह से रब कर लेंगे और इनकी जो जली हुई स्किन है उसको हम हटा लेंगे इसके बाद मैंगो को भी मैं पील कर रही हूँ ये देखिए मैंगो का कलर चेंज हो गया है यानी कि ये हाफ कुक हो गया है एकदम वो खट्टा वाला आम नहीं रह गया है इसमें हल्का सा अलग टेस्ट आ जाता है अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार जो चिली हमने रोस्ट की थी टमाटो रोस्ट किया था साथ में जो मैंगो इनको हम ले लेंगे ग्राइंडिंग चार में ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल कच्चा आम है तो इसकी गुठली भी निकल रही है इसके बाद हैंडफुल हम डालेंगे इसमें पुदीना और हैंडफुल ही डालेंगे धनिया तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे इसके बाद अब जो मसाले डालना चाहें वो डाल सकते हैं अपनी चटनी में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक और उसको पीस लेंगे चाहे तो आप जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है एक बार इसको घुमा लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब आइस क्यूब से इसका कलर काफ़ी अच्छा रहता है गर्माहट से कलर चेंज नहीं होगा तो इस तरह से पानी की जगह मैंने आइस क्यूब डाले हैं और ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी है बहुत ही अमेजिंग एरोमा आ रहा है जो एक बर्निंग इफेक्ट होता है तंदूरी फ्लेवर वो इसमें आता है और चटनी काफ़ी थिक बनती है टमाटो का टेंगीपन है इसमें मैंगो खुद में खट्टा होता है और पकने के बाद उसका टेस्ट काफ़ी अमेजिंग हो जाता है तो काफ़ी अमेजिंग है ये चटनी आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा तीखा और नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो ये चटनी अगर आपको पसंद आई है तो इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा बस यहीं तक थी मेरी आज की किचन टिप्स उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करें मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे